दोस्तों 2024 का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और चुनावी बिगुल को लेकर के तमाम तस्वीरें जो हैं वो देश भर से सामने आ रही हैं, जहां पहले चरण की वोटिंग होनी है और पहले चरण की वोटिंग के लिए आज आखिरी मौका है मतदान के लिए जो नामांकन किया जाएगा। पर नामांकन से पहले ही कुछ जगह पर अभी तक समाजवादी पार्टी जो है अपने उम्मीदवार को ही खड़ा नहीं कर पाई है, जहां ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से रुख इस 2024 के चुनाव में अपना रही है वो केंद्र की सत्ता को हटाने के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को राजनीतिक अछूता बनाने के लिए कर रही है, जिसकी जीती जागती तस्वीर जो है रामपुर से सामने आ रही है, मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां नामांकन का आज आखिरी दिन है और अभी तक समाजवादी पार्टी जो है अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाई है। रामपुर में जहां रामपुर के आजम खान के लोगों ने साफ तौर पर आजम खान की चिट्ठी जो है वो जाहिर की और साफ तौर पर आजम खान ने ये ऐलान कर दिया है कि इस चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। ये तो बात सिर्फ रामपुर की हुई, पर मुरादाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है बीते दो दिन पहले ये ऐलान करते हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं एसी हसन, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाता है और जब कल खुद एसी हसन जो है नामांकन दाखिल कर देते हैं, शाम होते होते एसी हसन का टिकट काट दिया जाता है और जब एसी हसन का टिकट काटा जाता है तो वहां पर बाहरी उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है और नाम सामने आता है रुचि वीरा का। वो रुचि वीरा जिन्हें पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया बिजनौर से अपना उम्मीदवार बनाते हैं, फिर उनका टिकट काट करके किसी और को चुनावी मैदान में उतारते हैं, फिर उन्हीं रुचि वीरा को मुरादाबाद से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया जाता है। और ये दोनों जो क्षेत्र खास तौर पर देखे जा रहे हैं 50% मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और सवाल ये खड़ा होता है कि अब मुरादाबाद से और बिजनौर से कोई एक ऐसा मुस्लिम नेता नहीं मिला जिन्हें पार्टी उम्मीदवार बना करके सामने ला सकती थी, और जब ये चीजों से नदारत खास तौर पर अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं तो वही बाहरी प्रत्याशी रुचि वीरा का जो पुतला है वो फूका गया है और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है जम करके नारेबाजी खुद सपा कार्यकर्ता और सपा समर्थक जो है लगाते हुए मुरादाबाद में दिखाई दिए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। सामने गाओ भाई, रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आराम आराम से मारो। चलो चलो चलो, अरे आपने देखा कि किस तरीके से ये ऐलान जो है खुद अखिलेश यादव द्वारा किया जाता है और ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार जब नामांकन का आखिरी दिन है आज
और आखिरी दिन में जब उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वो अपने नाम का पर्चा जो है वो भर चुके हैं और अचानक से शाम होकर के आप ऐलान करते हैं कि एसटी हसन उम्मीदवार नहीं है, किसी दूसरे बंदे को उम्मीदवार बनाया जाएगा। शायद अखिलेश यादव जो हैं 2019 के चुनावी नतीजे भूल चुके हैं और उन नतीजों में यह साफ तौर पर देखा गया जो अखिलेश यादव 40 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं वो 2019 में भी यही दम भर रहे थे और महज 5 सीटों पर सिमट करके रह गए थे। जहां मेनपुरी में उनके वालिद स्वर्गीय मुलायम सिंह चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीते मेनपुरी से, आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। और रही रामपुर की सीट, तो आजम खान खुद चुनावी मैदान में थे और उसकी चुनाव के बाद से क्या हश्र आजम खान के परिवार का हुआ, ये तस्वीर भी देश और दुनिया के सामने है। और ठीक चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव को अचानक याद आ जाती है आजम खान की और सीतापुर जेल जाकर के उनसे मुलाकात का सिलसिला भी जो है वो तेज कर दिया जाता है, जो ये साफ तौर पर दिखाता है कि इतने सालों से जो जुल्म ज्यादती आजम खान और आजम खान के परिवार के साथ हो रही है उस पर अखिलेश यादव खुल करके सामने क्यों नहीं आ पाते। और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां इंडिया गठबंधन से अलग हटकर के बात की जाए तो खुद AIMIM ये आरोप लगाती रही है कि अखिलेश यादव और खुद बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों का इस राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान कर रही है, जिसकी जीती जागती तस्वीरें जो हैं वो मुरादाबाद और रामपुर से सामने आ रही हैं, जहां पहले चरण में मतदान होने हैं रामपुर के और मुरादाबाद के। अभी तक एक भी उम्मीदवार अखिलेश यादव को वहां से नहीं मिल पाया, जो कि एक हास्यपद भी है। आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और आपके पास उम्मीदवार नहीं, और उम्मीदवार अगर है तो अपने फेस पर वो उम्मीदवार जीत का परचम लहराते हैं। और ये वो 2019 की वो सीटें हैं जहां एक तरफा मोदी लहर थी और उस लहर में भी इन उम्मीदवारों ने अपने चेहरे के दम पर पार्टी की जो खोई हुई सत्ता थी उसे बचाने का काम किया, जिस पर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट क्यों काटा है और रामपुर से अभी तक कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़ा क्यों नहीं कर पाए हैं। हर एक सवाल को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।